प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं बुधवार व्रत की विधि एवं कथा। ग्रह शांति तथा सर्व सुखों की इच्छा रखने वालों को बुधवार का व्रत करना चाहिए। इस व्रत में रात दिन में एक ही बार भोजन करें। इस व्रत के समय हरी वस्तुओं का उपयोग करना श्रेष्ठ है। व्रत के अंत में शंकर जी की पूजा धूप बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। साथ ही बुधवार की कथा सुनकर आरती के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, बीच में ही नहीं जाना चाहिए। कथा। एक समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए अपने ससुराल गया। वहां पर कुछ दिन रहने के बाद सास ससुर से विदा करने के लिए कहा, किंतु सबने कहा कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करते हैं। वह व्यक्ति किसी प्रकार न माना और हठ धर्मी करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा कराकर अपने नगर को चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तब वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर जल भरने चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के निकट आया तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि ठीक उसकी ही जैसी सूरत तथा वेशभूषा वाला एक और व्यक्ति उसकी पत्नी के पास रथ में बैठा हुआ है। उसने क्रोध से कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा है? दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी ससुराल से विदा कराकर ला रहा हूँ। वे दोनों व्यक्ति परस्पर झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आकर लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन सा है? तब पत्नी शांत ही रही, क्योंकि दोनों एक जैसे थे, वे किसे अपना असली पति कहें। वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे परमेश्वर, यह क्या लीला है कि सच्चा झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना था, तूने किसी की बात नहीं मानी, यह सब लीला बुद्धदेव भगवान की है। उस व्यक्ति ने बुद्धदेव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब बुद्धदेव जी अंतर ध्यान हो गए। वह अपनी स्त्री को लेकर घर आया तथा बुधवार का व्रत वे दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है तथा सुनता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने से कोई दोष नहीं लगता, उसको सर्व प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है।